नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति झाझा रेलवे स्टेशन के पास में आपक सभा में जिस तरीके से भारी मतों से विजय हुए अरुण भारती, उनके जीत की खुशी में आज अबीर और गुलाल के साथ लड्डू बांटे अपने कार्यकर्ताओं और लोगों जनता के बीच में। आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खुशी का माहौल अबीर खेले हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत खुशी महसूस हो रहा है और हम लोग कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। जिस तरह से जनादेश हम लोग को मिला है जमुई लोकसभा में नहीं बल्कि पांचों लोकसभा में और पूरे बिहार में और पूरे देश में, तो हम लोग बहुत खुश हैं और इस जीत के खुशी में हम लोगों का मैंने अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का मुंह मीठा करा रहे हैं। 100 में 100 सीट लाए हैं सर, बीजेपी से भी ज़्यादा बढ़कर लाए, तो उनको किस पद पर देखना चाहते हैं आप? उनका जनादेश बढ़ा है, उनका कद बढ़ा है, राजनीतिक कद बढ़ा है और पार्टी हर हाल में उनको कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे और हम लोग इसी मैंने पूरे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि मोदी कैबिनेट में चिराग जी एक अच्छे मंत्री पद पे होंगे, एक अच्छा मंत्रालय मिलेगा उनको। सर एक तरफ कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सर, तो क्या लगता है कि पार्टी चल पाएगी इस 5 साल में? 100% 9 तारीख को देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के शपथ लेंगे और उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री होंगे, वो भी शपथ। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जीत का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को नरेंद्र मोदी जी ने 5 सीट देके विश्वास जताया है, उस पर हमारी पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस पर खड़ा उतरते हुए प्रचंड बहुमत से 5 सीट जीते हैं। इसके लिए सबसे पहले पूरे बिहारवासी को हम धन्यवाद देते हैं और पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वेंडर मिला है उसको हम लोग पूर्ण 5 साल चलाएंगे। सर एक प्रश्न है सर, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं सर, आबिद कौशल कुछ फैक्टर पड़ा सर यहाँ झाझा में? इस पर हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, वो आप लोग खुद देख सकते हैं, देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होगा। सर बिहार में एनडीए की सरकार है सर और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, मगर आज भी झाझा के कई धरातल पे जो जानवारी मैदान अभी तक सुंदरीकरण नहीं हो पाई, रेलवे विभाग का जो है रेलवे तालाब रोड वहाँ भी सुंदरीकरण नहीं हो, तो इन 5 सालों में क्या क्या देखने मिलेगा? जरूर मिलेगा, इस पर हम लोग कार्यकर्ता भी बहुत मैंने प्रयास करेंगे और हमारे संज्ञान में देंगे। और दूसरी बात है हमारे जो प्रत्याशी हैं अरुण भारती जी बहुत जुझारू नेता हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है का जो अधूरा काम है वो हमारे अरुण भारती जी पे हम लोग को पूरा विश्वास है, पूरे झाझावासी और झाझा प्रखंड जमुई लोकसभा का जो जनता है सब विश्वास करके उसको जिताएं उस पर खड़ा होकर। के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए के प्रत्याशी श्री अरुण भारती की जीत की खुशी में हम लोगों ने गुलाब और लड्डू एक दूसरे को खिला के एक दूसरे को लगाकर खुशी का इजहार किया। विजय जी 400 पार का नारा का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 242 अकेले लाए हैं और इंडिया गठबंधन तो 232 पर ही है, मोदी लहर तो एकदम दिख रहा है, पूरे देश की जनता को धन्यवाद कहते हैं कि भगवा रंग से रंग गए। सरकार चलेगी सर पूरा एकदम 5 साल क्या एकदम 5 साल एकदम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलेगी। पलटू चाचा पलट देंगे? नहीं, कल आपका बयान आया है और जो राष्ट्रपति जी को जो निक के दिया गया है उसमें नीतीश कुमार जी का भी सिग्नेचर है और नीतीश कुमार बहुत मजबूती से है, 1996 से लगातार हमारे साथ। आप लोगों को पता है कि जीतने के बाद सीधा दिल्ली जाया जाता है और वहाँ पर से जब सरकार बन जाती है तो फिर अपना क्षेत्र में आकर के नागरिक अभिनंदन किया जाएगा उन लोगों का। मुद्दा हमारे जो झाझा का है, झाझा से संबंधित हम लोग हैं, तो जैसे बरमसिया पुल हो या फिर ये तालाब रोड का सौंदर्यीकरण हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो या अन्य जो भी शिक्षा से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी काम अधूरा समझ में आए जो उन लोगों के माध्यम से हो सकता है वो हम लोग करवाने का प्रयत्न करेंगे। केंद्र में सरकार बनेगी सर, आज भी युवा बाहर पलायन करते हैं सर, तो उस पलायन को रोक पाएगी सर? बिल्कुल रोकने में सक्षम होगी, चूँकि एनडीए का एक मजबूत सरकार बनने को है, तो इस कड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार ही होना है, पलायन रोकना ही होता है और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश जी भी साथ में हैं, मतलब एक मजबूत और प्रचंड मतलब एनडीए की सरकार कहा जाए है यहाँ पर। बिहार में कल कारखाना लगेगी सर जमुई में? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अगर हर तरफ से एक पहले जो पंचवर्षीय योजना चलता था कि भाई फसल के लिए कृषि से संबंधित दूध से संबंधित या अलग अलग, लेकिन अब तो क्या था कि भाई सड़क बनना है बिजली होना है, तो सड़क बिजली तो हो गया,
लेकिन अब होना है कि भाई बेरोजगारी दूर होना चाहिए, तो बेरोजगारी के लिए कल कारखाना लगे। सर, राम मंदिर के नाम पे मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, अयोध्या में चुनाव हार गए, इस मैटर में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला उससे हम लोग संतुष्ट है, खुश है। जनता सर्वोपरि है,